छपरा के लवा कला गांव में आज शोक की लहर दौड़ गई है। दीपक यादव, जिन्होंने भारतीय सेना में हवलदार के पद पर अपनी सेवाएं दी, शहीद हो गए हैं। दीपक यादव और उनके बड़े भाई हवलदार विजेंद्र कुमार यादव दोनों ही देश की सेवा में लगे थे, लेकिन एक दर्दनाक घटना ने दीपक को हमसे छीन लिया। शनिवार की रात दीपक यादव और उनकी टुकड़ी को अनंतनाग के कोकेरनाग जंगल में दो आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली। सेना ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आतंकियों को घेर लिया। इसके बाद दोनों ओर से तीव्र गोलीबारी का सिलसिला शुरू हुआ। इस खतरनाक मुठभेड़ में दीपक यादव ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आतंकियों पर लगातार गोलियां चलाईं, बावजूद इसके कि उन्हें गोली लग गई थी। दीपक यादव का अंतिम समय बहादुरी और आत्मोत्सर्ग की कहानी है। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों तक आतंकियों से लोहा लिया, लेकिन घात लगाए आतंकियों ने उन्हें घेर लिया और शहीद कर दिया। दीपक के शहीद होने की खबर ने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया। दीपक की पत्नी को उनके फोन से बात होने का इंतजार था, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत की सूचना आई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। उनका पार्थिव शरीर पटना हवाई अड्डा पर उतरा और उसके बाद छपरा उनके घर पहुंचाया गया। गांव वासियों ने उन्हें शहीद का सम्मान देते हुए, जब तक सूरज चांद रहेगा दीपक बाबू तेरा नाम रहेगा और भारत माता की जय के नारों से अंतिम विदाई दी। शमशान घाट पर आर्मी के साथियों ने उन्हें सलामी देकर अंतिम विदाई दी। दीपक यादव के बड़े भाई विजेंद्र कुमार यादव ने बताया कि दीपक हाल ही में छुट्टी पर आए थे और परिवार के साथ समय बिताया था। विजेंद्र ने भावुक होकर कहा कि दीपक का एक बेटा है और उनकी शहादत उनके परिवार और गांव के लिए एक अपूरणीय क्षति है। दीपक यादव का बलिदान हमें उनकी बहादुरी और देशभक्ति की प्रेरणा देगा। दो भाई। आप किस विभाग में आप हैं? मैं भी आर्मी में हूँ। घटना की सूचना यूनिट से फोन आया था, ये 10 को शनिवार को शाम को। कैसे क्या सूचना? उधर ऑपरेशन चल रहा था, आतंकवादी से मुठभेड़ हुआ, गोली लगी थी। मैं हवलदार विजेंद्र कुमार। हवलदार दीपक कुमार यादव। आज छपरा का हर दिल दीपक यादव की शहादत पर गर्व महसूस कर रहा है और उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। लोकल 18 के लिए छपरा से विशाल कुमार की रिपोर्ट।